क्लास सिक्स सब्जेक्ट है साइंस। हमने अपने पिछले अध्याय में इसके विज्ञान की परिभाषा और कुछ वैज्ञानिक विषयों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास विज्ञान मतलब हमारे चारों तरफ विज्ञान, ठीक है। जैसा आजकल आप सभी जानते हैं, विज्ञान ने इतनी देन कर दी है कि हम चाहकर भी विज्ञान को अपने आप से निकाल नहीं सकते। वर्तमान समय में विज्ञान इस कदर हमारे जीवन शैली पर है कि हम अगर चाहें भी तो विज्ञान को नहीं निकाल सकते। नंबर 2, अगर हम विज्ञान के बिना किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वहाँ क्या है, हमें एक शून्य ही प्राप्त होगा। यदि हम विज्ञान के बिना कल्पना करते हैं तो वहाँ हमें गहरा शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे कुछ समय पहले अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता तो क्या अब तक हमारी दुनिया अंधेरे में ही डूबी रहती, बताइए। अब उन्होंने आविष्कार किया तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते 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 हमें बल्ब मिला, बल्ब के साथ हमें रोशनी मिली और विद्युत का संचार होता चला गया। अब और आगे बढ़ते हैं, हियरिंग बैंड का इस्तेमाल हुआ। हियरिंग बैंड मतलब जो हमारी बहरे लोग होते हैं जिनको सुनाई कम आती है, तो उनके लिए एक मशीन का प्रयोग किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं उन्हें चलने फिरने में सक्षम नहीं हो पाते, अब जब वो चलने फिरने में सक्षम ही नहीं हो पाते तो उन्हें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत थी, तो विज्ञान ने उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए जिससे वो आगे चल और फिर सकते हैं। अब इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुबह नहाने जाते हैं, जब हम नहाने जाते हैं तो हम वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते समय भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की टंकी की, तो जो टंकी बनी वो किसके द्वारा बनी, विज्ञान के द्वारा। इसी प्रकार सूर्य में भी विज्ञान की असीम अनुकंपा छिपी हुई है। जैसे जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो तभी तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं से उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर ऊर्जा की बात करें हम तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो हम कोई कार्य आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जब हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो हम किसी भी कार्य को आगे कैसे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे उपकरणों के माध्यम से, संचारों के माध्यम से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली को अत्यधिक सरल बना दिया गया है। अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाया है, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक का मतलब हो गया जो प्रतिदिन यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो प्रतिदिन यूज़ करने वाली होती हैं वो आती हैं हमारी दैनिक के अंतर्गत। जो सप्ताह में एक बार यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो आती हैं साप्ताहिक। जो वर्ष में एक बार यूज़ करने वाली होती है वो आती हैं वार्षिक। तो अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब हम अपने डेली वे में किस प्रकार विज्ञान का यूज़ कर रहे हैं। माना हम सुबह में उठते हैं, उठने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, तो वो ब्रश जो है एक ब्रश किसने बनाया, वो विज्ञान ने। उसी प्रकार कोलगेट किसके द्वारा बना, विज्ञान के द्वारा। हम उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं, जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में हम शॉवर खोलते हैं और भी जो हमारे यंत्र होते हैं हम उनको चलाते हैं, पानी के माध्यम जो होते हैं उनको चलाते हैं, वो किसने बनाया, विज्ञान ने। ठीक इसी प्रकार संचार के माध्यम ने भी विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है और हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अनुसार हमें विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को बहुत आसान बनाया है, ठीक है। हम डेली मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जैसे आजकल आपकी ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो वो किसके द्वारा कर रहे हैं आप, मोबाइल फ़ोन के। वो किसका काम था, स्मार्टफोन किसने बनाया, विज्ञान ने। आप भी तो तभी ऑनलाइन स्टडी को अपनी कर पा रहे हैं, अगर स्मार्टफोन ही नहीं होता तो आप अपनी ऑनलाइन स्टडी कहाँ से कर पाते। तो ये किसकी देन है, विज्ञान की, और इसे हम डेली यूज़ कर रहे हैं। अब अपनी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से स्मार्टफोन को हम डेली यूज़ कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मनोरंजन के साधन को ले लो, मनोरंजन में भी विज्ञान ने कंप्यूटर बनाया है, टेलीविज़न बनाया है, इत्यादि चीज़ों को बनाया है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये लगा लो, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आज हम अपनी कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम विज्ञान पर आधारित नहीं हैं। अब हम सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में,
ठीक है। विज्ञान ने अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में तरक्की करी है। सबसे पहले आता है हमारा यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार से तरक्की करी है, ठीक है। अब यातायात से पहले मैं कुछ साधन भी बता दूं आपको, विज्ञान के कुछ साधन रहे हैं, ठीक है। जैसे विज्ञान के द्वारा हमें कार प्राप्त हुई, कार के बाद हमें बस प्राप्त हुई, ट्रेन प्राप्त हुई, टेलीविज़न हुए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हुए, इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हुई हैं और जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी हमने आपको यातायात के क्षेत्र में बताते हैं। यातायात के क्षेत्र में पहले पुराने समय में क्या होता था कि मनुष्य अपनी दूरी को बहुत लंबे समय में तय करता था, ठीक है। अगर मान लो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता था, कई किलोमीटर की दूरी कभी कभी ऐसा होता था कि मनुष्य पैदल ही तय करता था, उसको पद यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ता था। मतलब यातायात का कोई भी साधन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा विज्ञान आगे की तरफ बढ़ता चला गया उसी प्रकार से तरक्की होती चली गई। हमारे यातायात के क्षेत्र में कार आई, ट्रेन, बस इत्यादि चीज़ें आई, तो जिसकी वजह से हमारा जो मनुष्य है वो बहुत कम समय में अपनी दूरी को तय करने लगा। अब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो कुछ ही मिनटों में हवाई जहाज़ के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर मान लो हमें दुबई से दिल्ली आना है तो कितना हद से हद मात्र आधा घंटा लग जाएगा, वो किसके माध्यम से हुआ, उस आधा घंटे में हम दिल्ली एयरपोर्ट तक आराम से आ सकते हैं, वो किसके माध्यम से आया, हवाई जहाज़ के माध्यम से। अब ये जो हवाई जहाज़ आया, ये हवाई जहाज़ किसकी देन थी, विज्ञान की, तभी तो उसने इतने कम समय में अपनी दूरी को तय कर पाया। इसी प्रकार आगे कार आई, कार के माध्यम से भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से जा सकता है। ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से भी जो है व्यक्ति लंबी से लंबी दूरी को तय कर सकता है। इसी प्रकार बस, बस के माध्यम से भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आराम से जा सकता है, और जिससे वह अपनी दूरी को भी तय कर पाता है और जो उसका कार्य होता है उसे पूर्व निर्धारित समय पर कर लेता है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने आसपास अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए अगर उसे जाना पड़ता है तो वो कम समय में जा सकता है। इसी प्रकार आगे आता है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर वन था हमारा यातायात के क्षेत्र में, और नंबर टू है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले क्या होता था, प्राकृतिक कोई भी अगर हमें बीमारी हो जाती थी तो उसको ये मान लिया जाता था ये प्राकृतिक देन है। जैसे कैंसर होता था, कैंसर का इलाज नहीं हो पाता था तो उसे मनुष्य ने क्या मान लिया था, ये एक प्राकृतिक देन है, इस महामारी से हम नहीं बच सकते। यदि किसी मनुष्य को कैंसर हो गया है तो वो उसकी मृत्यु को निश्चिंत मान लेते थे कि हाँ अब इसकी मृत्यु होनी होनी तो तय ही है। क्यों? क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था, किसी तरीके की कोई एंटीबायोटिक नहीं आई थी, किसी तरीके की कोई वैक्सीन नहीं आई थी। उसी के साथ साथ एक ब्रेन ट्यूमर होता था, ब्रेन ट्यूमर को भी एक जानलेवा बीमारी माना जाता था कि ये भी बहुत जानलेवा बीमारी है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे रोग थे जिनको मनुष्य प्राकृतिक की देन मान के उन सारी चीज़ों से हार जाता था। वह कोई भी किसी भी तरीके की अपने आप ना तो कोशिश करता था, और दो चार लोग जो इधर उधर के होते थे उन्होंने भी बता दिया हाँ भाई इनके पास तो बहुत कम समय है, तो वो मान जाता था कि हाँ अब इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारी विज्ञान ने, हमारे विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने धीरे 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 तरक्की करनी शुरू करी। उसने धीरे धीरे एक एंजियोग्राफी नामक मशीन बनाई, ठीक है, हाइपोथीपिया बनाई, जिसके माध्यम से अपंग जो लोग होते हैं उनको भी सहारा मिला, ठीक है। एंजियोग्राफी है, सिटी स्कैन, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाई, दवाइयाँ बनाई, यहाँ तक कि आज कैंसर की दवाई, कैंसर की बीमारी की भी दवाई हमारे देश में आ चुकी है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इस प्रकार के इंजेक्शन बनाए कि मनुष्य को ज़्यादा मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वो क्या करता है,
इंजेक्शन के माध्यम से ही अपने आप को ठीक कर लेता है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं बहुत हार्मफुल भी होती हैं कुछ गर्म होने के कारण। अब जब हम ज़्यादा खा लेते हो तो कुछ को क्या होता है, उसका रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन में शरीर पे दाने आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके स्थान पर विज्ञान ने क्या बनाया, इंजेक्शन बनाया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरे की मशीन को बनाया। एक्सरे की मशीन का क्या लाभ था हमारा, यदि हमारे कहीं शरीर की या हमारे किसी भी हाथ की पैर की हड्डी को टूट जाना या अंदर की तरफ से मांस को फट जाना, पहले क्या होता था, खाली हमारे जो देसी नुस्खे होते थे, घर में हल्दी पट्टी बांध ली, ठीक हो गया, या फिर उसको हल्दी का दूध पिला दिया, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी कुछ समय तक उसमें दर्द तो हमारा निरंतर होता ही रहता था। उस चीज़ को दूर करने के लिए विज्ञान ने क्या बनाया, एक्सरे बनाए। एक्सरे के माध्यम से हमारे जो भी क्षतिग्रस्त अंग होता है उसका पूर्ण रूप से पता चल जाता है। हड्डी टूटी हुई होती है तो हड्डी टूटने का पता चल जाता है, फिर उसको प्लास्टर के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मास्क फटा हुआ होता है हमारे हाथ का, पैर का या किसी भी अंग का, तो उसको ठीक करने के लिए अनेक प्रकार की मेडिसिन्स बनाई गई। और इसी प्रकार उन्होंने सिटी स्कैन बनाया, ठीक है। सिटी स्कैन के माध्यम से मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी पूरी जानकारी हमें प्राप्त चल जाती है। पहले क्या होता था, गुमचोट लग जाने पे हमें कुछ नहीं पता चल जाता था। मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने पे उसको माइंड में कोई प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ, ऐसे ही काम चलता था, हाँ दवाई मिल गई, ठीक है। लेकिन अब सिटी स्कैन के माध्यम से हम अपने पूरे ब्रेन की जाँच करवा पाते हैं, ठीक है। पूरे अब थर्ड नंबर पर आता है हमारा MRI। MRI के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर का पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त है या क्या है, किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या किया, जैसे विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में तरक्की की, ठीक उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार से तरक्की की। थर्ड है हमारा कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। जिस प्रकार विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में तरक्की करी, चिकित्सा के क्षेत्र में तरक्की करी, उसी प्रकार विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी असीम प्रकार से एक ऐसी तरक्की की है जिसके माध्यम से आज किसान बहुत जल्दी अपने कार्य को पूर्ण कर पाता है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में किसान बैलों के द्वारा अपने हल को जोतता था, लेकिन आजकल हल जोतने के खेत को जोतने के लिए अनेक प्रकार के हैरोज वगैरह आ गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, पहले किसान को उपज में बहुत दिक्कत होती थी, पानी का इंतज़ार करता था, कुएं चलाता था, एक दूसरे का सहारा लेता था। लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी है कि आज कृषि के क्षेत्र में भी किसान को अपने खेत को भरने के लिए और जो भी क्रियाएं होती हैं खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो ट्रैक्टर किसने दिया था हमें, विज्ञान से ही तो प्राप्त हुआ था वो ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर के माध्यम से उसने अपने खेत को जोतना शुरू कर दिया। खेत को जोतने के बाद क्या हुआ, उसने इसकी उपज को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब उपज जब उसने बढ़ाई तो उसमें इसने अनेक प्रकार के रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया, ठीक है। जैसे आजकल हमें हाइब्रिड चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, पहले क्या होता था किसी भी चीज़ को पकने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर मान लो हमें सब्जी भी मिल रही है तो वो सब्जी क्या है, वो हाइब्रिड है। उसको इंजेक्शन के माध्यम से हमें प्राप्त करवाया जा रहा है। इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वह सब्जी को बढ़ा दिया जाता है। जैसे लौकी को इंजेक्शन लगा दिया आजकल लोग, पहले हमें जो लौकी प्राप्त होती थी वो एक मध्यम रूप में प्राप्त होती थी, एक मिडिल साइज़ में प्राप्त होती थी और उसमें पूर्ण पोषक तत्व हमारे पाए जाते थे। लेकिन अब क्या किया है, लोगों ने इंजेक्शन के माध्यम से उस लौकी को बढ़ा दिया। इसी प्रकार और भी सब्जियां हैं हमारी, सब्जियों में क्या करने लगी, उन्होंने रासायनिक चीज़ों के उपयोग के माध्यम से अनेक प्रकार के हाइब्रिड बना दिया, जिसकी वजह से आजकल अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों, हाइब्रिड चीज़ें हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाती। डाइजेस्ट का मतलब यहाँ है पाचन शक्ति से, जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएँ आती हैं जिससे हमारी बीमारी उत्पन्न होती हैं। और अब इसने क्या किया, अनेक प्रकार की जो रासायनिक चीज़ें बनाई, रासायनिक खाद बनाया जैसे, ठीक है, जो हमारी मिट्टी होती है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए तो इसने बना दिया विज्ञान ने। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी बहुत नुकसान होने लगी, फिर भी रासायनिक के माध्यम से, रासायनिक क्रिया के माध्यम से हमारी उपज उर्वरा शक्ति को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला आता है शिक्षा के क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। जैसे शिक्षा के लिए पहले क्या होता था, खाली हम अपने बुक्स से और कॉपी से पढ़ते थे, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब के द्वारा पढ़ने लगे, यूट्यूब पे अनेक प्रकार की चीज़ें मिला लेते हैं। अगर मान लो हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस कोशिका के बारे में आपने अपने विद्यालय में पढ़ लिया, लेकिन कुछ बच्चे इतने उत्सुक होते हैं उस चीज़ को जानने के लिए कि वे अपने आसपास के चारों तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ हमें इसके बारे में और मिले, तो वो यूट्यूब के माध्यम से इसको देखने लगे। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने देखा तो क्या हुआ, ये विज्ञान की तरक्की के माध्यम से तो हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। आजकल हर विद्यालय में जो है स्मार्ट क्लास चलने लगी है, स्मार्ट क्लास में वो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसमें एक एक चीज़ बच्चे को बताते हैं। प्रोजेक्टर में क्या होता है, जैसे हमारा हॉल में एक पर्दा होता है बड़ा सा, वैसे ही प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर बच्चे को अच्छी प्रकार से समझाने लगे कि ये देखो ये हमारा अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये युगलीना है, इत्यादि प्रकार की चीज़ें बताने लगे। तो वो भी क्या हुआ, विज्ञान ने बनाया, स्मार्टफोन है हमारा, प्रोजेक्टर है, और आपकी स्मार्ट क्लास में जितनी भी तकनीकें होती हैं, साउंड सिस्टम है, ये किसके माध्यम से हुआ, विज्ञान के माध्यम से हुआ। गैसीय ईंधन के क्षेत्र में, ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था अपना यातायात के क्षेत्र में, सेकंड हमने पढ़ा चिकित्सा के क्षेत्र में, थर्ड हमने पढ़ा कृषि के क्षेत्र में, फोर्थ हमने पढ़ा शिक्षा के क्षेत्र में, उसी प्रकार है गैसीय ईंधन के क्षेत्र में, या हम इसे बोल सकते हैं रसोई घरों में। ठीक है, अब गैसीय में, गैसीय से मतलब यहाँ आप समझ ही गए होंगे, पहले रसोई घरों से भी आप समझ गए होंगे, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो हमारी घर की गृहिणी थी, महिला थी, वो एक चूल्हे पर खाना बनाती थी। किस पे खाना बनाती थी, चूल्हे पर, और वो जो चूल्हा हमें प्राप्त होता था वो मिट्टी से प्राप्त होता था, वो मिट्टी का बना हुआ था। तो और प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में ये चूल्हा पाया जाता था, इसी पे हमारी जो महिलाएं थीं, मम्मियाँ थीं हमारी, वो खाली चूल्हे पर बैठ के लकड़ियों के माध्यम से, चूल्हे में किसका प्रयोग करते थे, वो लकड़ियों का, लकड़ियों के माध्यम से, उपलों के माध्यम से। उपले किससे तैयार होते हैं, हमारे गोबर से। ठीक है, जो हमारे पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है उसके गोबर से उपलों को प्राप्त किया जाता था। तो उस मिट्टी के चूल्हे में भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ता था, लकड़ियों को लगाया, उपलों को लगाया, फिर जो उससे धुआं निकलता था उससे भी उन्हें हानियाँ प्राप्त होती थी। लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान ने इसमें भी अनेक प्रकार से तरक्की की। सबसे पहले उन्होंने गैस सिलेंडर बनाया, LPG, जो आजकल सभी के घरों में यूज़ होती है LPG, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके माध्यम से गैस चूल्हा आया, गैस चूल्हे पर हमारी माताओं ने, मम्मियों ने खाना बनाना शुरू किया, तो उन्हें थोड़ा कम समय लगने लगा। इसी प्रकार से फिर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक आया, जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन चूल्हा। क्या बोलते हैं, इंडक्शन चूल्हा। वो क्या होता है, वो हमारा विद्युत के द्वारा चलता है, तो उसमें और भी कम समय में खाना बना लिया जाता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे काफ़ी तरक्की हुई, और इसी तरक्की के साथ उन्होंने रसोई घर में अनेक प्रकार की चीज़ों को, अब पहले क्या होता था, पहले हम पानी पीते थे, नल का पानी पीते थे, कुओं से खींच के पानी पीते थे। अब क्या हुआ, अब अधिकतर घरों में RO का पानी हुआ। पहले शुद्ध पानी को पीने के लिए पानी को उबाला जाता था, उबालने के बाद उसको छाना जाता था, छानने के बाद तब एक एक करके सबको पानी दिया जाता था। पर अब क्या हुआ है, विज्ञान ने जैसे गैसीय ईंधन को बनाया, LPG को बनाया, इंडक्शन को बनाया, ठीक उसी प्रकार पानी पीने के लिए RO बनाया, उस RO में फ़िल्टर्स को लगाया, RO में भी तीन चार प्रकार के फ़िल्टर्स लगाए, उन फ़िल्टर्स के माध्यम से पानी छनकर आने लगा और उसको यूज़ करने लगे। ठीक है, अगला आता है हमारा नंबर 6 आता है संचार क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में भी जिस प्रकार इन सारे क्षेत्रों में तरक्की की, ठीक उसी प्रकार संचार के क्षेत्र में भी हमारे साइंस ने काफ़ी तरक्की की है। पहले हम अपने किसी व्यक्तिगत मनुष्य से बात करने के लिए पत्रों का यूज़ करते थे, चिट्ठियों का यूज़ करते थे, और वो कई महीनों बाद, 15 दिन बाद उन लोगों को मिलती थी। ठीक है, फिर उसी प्रकार 15 दिन और महीने बाद हमारे पास संदेश आता था। लेकिन आज विज्ञान ने क्या किया, आज विज्ञान ने मोबाइल फ़ोन बनाया, मोबाइल बनाया, इसी के साथ साथ कंप्यूटर बनाया,
इसी के साथ साथ टेलीविज़न बनाया, इंटरनेट को बनाया, अब क्या है दूरसंचार में सबसे पहले मोबाइल बनाया। जो हमारा मोबाइल आया था पहले वो हमारे पास कीपैड मोबाइल होता था, उससे हम क्या करते थे खाली बात कर सकते थे और फ़ोन कर सकते थे और हम कुछ मैसेजेस को भेज सकते थे। लेकिन यहाँ भी हमारी जो संचार के क्षेत्र में थी वो सफलता पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे फिर उसने मनुष्य विज्ञान ने कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हमारी ईमेल्स होती हैं जिन्हें हम वो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाक, उसके इलेक्ट्रॉनिक डाक के माध्यम से कार्य को करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इसमें अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को सेव करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर का यूज़ हमारे कई क्षेत्रों में किया जाने लगा। कंप्यूटर का यूज़ जैसे कंप्यूटर का प्रयोग जैसे विद्यालय में किया जाने लगा, ठीक है, बैंकों में किया जाने लगा, घरों में किया जाने लगा, मॉल्स में किया जाने लगा और इसी प्रकार यातायात के साधन में भी। इत्यादि प्रकार से हमारा कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। सबसे पहले विद्यालय आता है हमारा। विद्यालय में हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, आजकल प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया है। अब जब उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में कर रख दिया तो उससे प्रति उसके प्रति पढ़ाई भी उसी हिसाब से शुरू हो गई। कंप्यूटर के बारे में बताना, कंप्यूटर की प्रयोगशाला में जाके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स को खोलना, यूट्यूब वगैरह खोलना और आपके पेंट्स इत्यादि को खोलना, टाइपिंग के लिए नोटपैड वर्ड इत्यादि को खोलना और विद्यालय में फीस के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं, ठीक। उसी प्रकार अगला आ जाता है हमारा बैंकों में। बैंकों में किस प्रकार यूज़ होने लगा, बैंकों में जो कंप्यूटर का यूज़ होने लगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो भी खाता धारक होता है उसका पूरा डिटेल बायोडेटा, उसका किस प्रकार का खाता है, ये सब किसके माध्यम से पता चलने लगा, कंप्यूटर के माध्यम से पता चलने लगा। इसी प्रकार घरों में भी आजकल मनोरंजन के लिए, बहुत से घरों में मनोरंजन के लिए और अपने बच्चों की तरक्की के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा। मॉल्स में हम आजकल अधिकतर, आप किसी भी मॉल में चले जाओ, मॉल में जाने पर सबसे पहले क्या है, हमें जब अपना हम सारा बजट को पूरा करके जाते हैं तो वो एक कंप्यूटर के माध्यम से ही हमारे रेटिंग करते हैं। अब रेटिंग के बाद किसका यूज़ हो रहा है उसमें, रेटिंग का जब हम वो लोग रेटिंग कर रहे हैं तो रेटिंग के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का, ठीक है। यातायात के साधन में क्या होता है, ट्रेन है, हमें रिजर्वेशन कराना है तो वो हम अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं और आजकल तो स्मार्टफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज है, हमें उसका टिकट कराना है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर के माध्यम से भी विज्ञान ने अनेक प्रकार से तरक्की कर ली है। अब आता है टेलीविज़न। जिन घरों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो वो किसका यूज़ करते हैं, टेलीविज़न का। टेलीविज़न के माध्यम से वो प्रत्येक प्रकार की समाचार हैं हमारे और भी जो हमारे आसपास न्यूज़ हैं इसको सुन सकते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ के देख भी सकते हैं और जिसे एक मनोरंजन का भी नाम दिया गया है, ठीक है, इसके माध्यम से मनोरंजन भी हो जाता है। अब आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट भी किसके द्वारा आया, साइंस के द्वारा आया। पहले क्या होता था, खाली बहुत हमें बहुत कम सीमित मात्रा में इंटरनेट मिलता था और इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का जाल है। क्या है, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का जाल है। इंटरनेट के माध्यम से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप को जोड़ सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ हैं तो हमें अपने आप को विदेश में जोड़ना है तो हम इंटरनेट के माध्यम से विदेश में जोड़ सकते हैं। अपनों से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो वीडियो कॉलिंग भी हो जाएगी और विश्व के प्रत्येक कोने की हमें जानकारी मिल जाएगी। इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं हमारे, लैन, मैन और बैन, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ों को पता लगा पाते हैं। तो इसी प्रकार से विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में भी अनेक तरक्की की है
और एक प्रकार से एक हरित क्रांति सी छा गई है संचार के माध्यम से। तो आप ये लगा लो कि आजकल जितने भी काम हो रहे हैं सब हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन की वजह से ही आजकल हम अपनी पोस्ट हैं, ईमेल्स हैं, सबको हम ऑनलाइन ही भेज देते हैं। इसी प्रकार नंबर 7 पे आता है हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे हमारे विज्ञान ने अनेक प्रकार के क्षेत्रों में तरक्की की, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी तरक्की करी। पहले चांद पर जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन विज्ञान ने अपनी तरक्की के साथ साथ कुछ ऐसे आयामों को बनाया जिससे मनुष्य आज चांद पर पहुंच गया है। ठीक है, चांद पे पहुंचने के साथ साथ उसने वहां पर अनेक प्रकार की खोजों को किया है, जैसे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई सबसे पहले जो अंतरिक्ष की खोज की थी तो इन्होंने ही की थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। और सन 1969 में इन्हें इसकी अध्यक्षता को सौंप दिया गया था। फिर धीरे धीरे इन्होंने तरक्की करते चले गए। इसी प्रकार और भी लोग थे जो हमारे अंतरिक्ष पर पहुंचे, जैसे हमारी कल्पना चावला थी। कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष विज्ञान में अनेक प्रकार के योगदान दिए, वो भी वहां पहुंची। इसी प्रकार हमारा चंद्रयान वन आया, फिर उसके बाद मंगल ग्रह के बाद फिर से चंद्रयान आया। चंद्रयान वन कब आया था हमारा? 2008 में। इसमें क्या पता लगाया था इन्होंने? चंद्रमा की पूरी परिक्रमा की थी और वहाँ पे बर्फ भी पाई जाती है, इसका पता लगाया था। फिर मंगल ग्रह पे पहुँचे, मंगल ग्रह में भी क्या हुआ? उसकी पूरी परिक्रमा की, उसके आसपास जितने भी जो भी चीज़ें होती थी उनको जाना, उनके बारे में दुनिया को बताया। फिर 2019 में हमारा चंद्रयान टू आया। तो इसी प्रकार जैसे विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में तरक्की की, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमारे विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की। एक क्रमबद्ध माध्यम से फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने माध्यम्स पढ़े थे विज्ञान में, नंबर 2 पे आया था हमारा यातायात, नंबर 3 पे आया था हमारा चिकित्सा, नंबर 4 पे था हमारा कृषि, 5 पर था शिक्षा, 6 पे था गैसीय ईंधन, एंड लास्ट 7 पे था हमारा संचार, एंड लास्ट है हमारा अंतरिक्ष। ठीक है, तो माध्यम में हमारे जो भी आजकल माध्यम आए, हमारे कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि को पढ़ा। यातायात में भी मनुष्य कम समय में अपनी दूरी को कैसे तय कर सकता है, हमने वो पढ़ा। चिकित्सा में हमारे जो कैंसर जैसी, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां थी उनके बारे में पढ़ा। और मेडिकल साइंस ने किस प्रकार से एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई को बनाया, वो पढ़ा। कृषि के क्षेत्र में उपज और रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन स्टडी इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए पढ़ा। गैसीय ईंधन में हमने LPG को पढ़ा और इंडक्शंस इत्यादि को पढ़ा। संचार में हमने कंप्यूटर है, गैस और आपके टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है इत्यादि को पढ़ा। और अंतरिक्ष में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई को पढ़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जहाँ विज्ञान ने इतनी तरक्की की, तो जब कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, मान लो लाभ के साथ साथ हमें हानि भी देती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का हमने यूज़ किया, जहाँ हमने उसका लाभ उठाया तो लेकिन उसकी हानि भी तो उठाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए मोबाइल ले लिया और गेम्स खेलने लगे, वो क्या है, बच्चों को बिगाड़ना ही तो है एक तरीके से। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी खाना पीना खाने से पहले अपने मोबाइल में अपनी पोएम्स को लगा लेते हैं, उन पोएम्स के माध्यम से ही वो अपने खाने पीने को खाते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान ने जिस प्रकार से तरक्की की है उसी प्रकार से कुछ इसके हानिकारक प्रभाव भी हमारे सामने आए हैं। अब आप ले लो, जब उसने कृषि में उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थ बनाए, उसने उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थ तो बना दिए, लेकिन जो उसकी उपज की मृदा की जो उपज क्षमता थी, जो उसकी नेचुरल प्राकृतिक देन थी, वो तो हमारी कम हो गई। जब हम किसी भी चीज़ में केमिकल का यूज़ करते हैं तो केमिकल के यूज़ के साथ साथ उस चीज़ को हानि भी पहुँचती
चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इंटर्न विज्ञान ने अनेक प्रकार के मनोरंजन के लिए साउंड सिस्टम्स तो बना दिए, उन साउंड सिस्टम से क्या हुआ, हमारे जो वातावरण था ध्वनि के कारण वो प्रदूषित होने लगा। ठीक उसी प्रकार यातायात के लिए भी विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें बना दी, बस ट्रेन कार इत्यादि बना दी, लेकिन जो उनसे निकलने वाला धुआं था वो क्या करता था, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता चला गया। तो जहाँ विज्ञान से हमें लाभ हुए हैं ठीक उसी प्रकार विज्ञान से हमें कुछ हानियाँ भी हुई हैं। जैसे हमने अपने पिछले अध्याय में कुछ वैज्ञानिकों के विषय में पढ़ा था, तो इसमें भी हम कुछ अपने वैज्ञानिकों के विषय में पढ़ते हैं, वैज्ञानिकों का किस में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक में आए हमारे सर जगदीश चंद्र बोस, सर जगदीश चंद्र बोस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सर जगदीश चंद्र बोस एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि पौधों में संवेदना होती है, पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या योगदान दिया अपना, पौधों में संवेदना। ठीक है, और इन्होंने पेड़ पौधों की वृद्धि को नापने का यंत्र बनाया। ठीक है, सर जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में संवेदना होती है ये तो हमें बताया। सादी कैसरोग्राफ नामक एक मशीन को बनाया था जिससे ये पता चल जाता था कि पेड़ पौधों की वृद्धि कितनी है। दूसरे आते हैं हमारे सी बी रमन। इन्होंने क्या किया, प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में बताया, और एक रमन प्रभाव के नाम पर ये आधारित रहे, जिनकी वजह से पूरे विश्व में विज्ञान दिवस को मनाया जाने लगा। फिर आती है हमारी नंबर 3 पे कल्पना चावला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दिया, जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान था उसमें अपने योगदान को दिया। ठीक उसी प्रकार कुछ हमारे विदेशी विज्ञान, अभी इतना आ गया हमारा समझ में, सर जगदीश चंद्र बोस से उन्होंने पौधों में संवेदना और वृद्धि को बताया, सी बी रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन को बताया, और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में योगदान दिया। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने मिसाइलों का निर्माण किया था रूस के साथ मिलकर, तो उन्हें भी मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे कुछ विदेशी वैज्ञानिक, जैसे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना विज्ञान में योगदान दिया है ठीक उसी प्रकार विदेशी वैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया। जैसे अभी हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिशन ने। एडिशन ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, इसी प्रकार चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसी प्रकार ग्राम वेल ने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, तो जैसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे वैसे ही हमारे कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे, जैसे एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया, आजकल हम रोशनी के लिए बल्ब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का यूज़ किया, कंप्यूटर का यूज़ बहुत अत्यधिक तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक उसी प्रकार ग्राम वेल ने टेलीफोन का इस्तेमाल किया। तो जैसे हमारे विदेशी वैज्ञानिक थे भारतीय वैज्ञानिक थे ठीक उसी प्रकार कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने भी
अत्यधिक योगदान किया। यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अब इसके जो भी आपको नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास माला है, वो एक PDF के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।